मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना। कुछ इन्हीं अर्थों में हमारी कई एक यात्राएं हुई। जब मैं वृंदावन के लिए चला, कुंज गलियां देखना था, राधा रानी का घर देखना था, नंद बाबा का घर देखना था, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, मथुरा घूमने की उत्कट अभिलाषा थी। एक वीडियो डाला, मुझे नहीं पता था जाना कहाँ था और कहाँ रुकूंगा, कहाँ दो रोटी मिलेगी, कहाँ होटल तो लेना नहीं था, उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं होटल का पेमेंट कर सकूं कई दिन तक। तो जैसे ही हमने वीडियो डाला, कई लोग आए, उनमें हमारे एक मित्र हैं कमल सिंह जी, जो पशुपालन में हैं, सरकारी सेवा में हैं, यद्यपि राजस्थान के भरतपुर में के निवासी हैं, सितारा गांव है सितारा। और इन्होंने कहा कि आइए, आप हमारे अतिथि हैं और वृंदावन में मैं मिलूंगा। टल्ला चुंगी पर मैं पहुंचा, वहां लेने आ गए थे। कमल भाई साहब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और लगातार इन्होंने अपने बुलेट मोटरसाइकिल से मुझे घुमाया। और कल की यात्रा हमारी लगभग 200 किलोमीटर की मोटरसाइकिल से थी, पूरी थकान हो गई, उसी में इनके बेटी का एक्सीडेंट भी हो गया, अलग यात्रा में परेशान रहे। चलिए, कमल भाई साहब ने गोपालन के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया है, मैंने वृंदावन में देखा, तमाम इस्कॉन टेम्पल से लेकर के और अनेक जो मठ मंदिर हैं जहाँ गोपालन होता है, सभी इनको जानते हैं और सभी बड़ा प्यार देते हैं। तो कमल भाई साहब से मैं जानना चाहूँगा कि आप तो सरकारी सेवा में हैं, आपको अच्छे वेतन भी मिलते हैं, यह कैसे आपको लगा कि सरकारी सेवा में रहते हुए हमको अपने क्षेत्र से अलग हट करके, जहाँ हमारी सीमाएं नहीं हैं, वहाँ भी जा करके हमको गोसेवा करना चाहिए? राधे राधे। 2008 के करीब की बात है, तो मैं छाता गया था, जो अपने ब्रज का ही क्षेत्र पड़ता है ना, वहाँ पे तो वहाँ एक गौशाला पड़ती है रास्ते में, तो साइड में खेत हैं, उनमें गाय मरी हुई पड़ी थी। तो उस समय मैंने वेटनरी की हुई थी, तो वैसे ही गया हुआ था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वृंदावन शिफ्ट हो जाऊंगा। उस समय तो गाय बड़ी तड़प रही थी, देखा नहीं गया, वहाँ एक नंबर लिखा हुआ था, मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे ऐसे आपकी कोई संस्था है, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं वृंदावन गया, गौ सेवा समिति के नाम से थी। उसके बाद वहाँ हमने सेवा शुरू की 2008 के आसपास, रात दिन हमने बहुत मेहनत की वहाँ पे। उसके बाद फिर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि गायों की हालत बहुत बुरी है आज की डेट में, आप देखेंगे पेपरों में, फेसबुक, सब जगह आपको बना मिलेगा गौ सेवा, लेकिन एक्चुअल में सेवा कोई नहीं कर रहा है। तो हमने वहाँ पर फिर अपने अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया, एम्बुलेंस ली, आपने देखी है, वो ऑटोमेटिक नीचे से गाय को उठा लेती है वो, तो तभी वहाँ पर हमने सेवा शुरू कर दी थी। उसके बाद 2013 में पोस्टिंग हो गई थी वेटनरी डिपार्टमेंट में, लेकिन वृंदावन शिफ्ट हो गए, मन लग गया, सब कुछ छूट गया वृंदावन की वजह से, वृंदावन का जो आनंद है वो अलग ही है। कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष का मरण न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुई। यहाँ जिधर भी आप जाएंगे, सभी लोग आपका अभिवादन राधे राधे से ही करेंगे, जो भी होगा सब राधे राधे बोलते हैं, सभी राधे राधे बोलते हैं। अयोध्या में जैसे राम राम कहते हैं, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे बोलते हैं। तो और काशी में हर हर महादेव, हर हर महादेव, वृंदावन में राधे राधे बोला जाता है। तो कमल जी, आपने दीक्षा भी ले रखा है? हाँ, मैंने टटिया स्थान से, जो बांके बिहारी जी वाला संप्रदाय है, वहाँ से दीक्षा ली हुई है। अच्छा, तो दीक्षा के बाद आपका कौन सा नाम हो गया? कमल नारायण दास, मेरी फेसबुक पे भी कमल नारायण दास है। कमल नारायण दास, कमल सिंह से कमल नारायण दास हो गए। तो एक चीज ये है कि जैसे जो भी आप गो सेवा करते हैं, जैसे कैसे लोगों को जगाना चाहते हैं, आपने कोई व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप बना रखा है, आप भी कोई यूट्यूब वगैरह चलाते हैं? यूट्यूब पे हमारा प्योर वृंदावन के नाम से चैनल है, और प्योर वृंदावन, प्योर PURE, हाँ, और डैश फिर वृंदावन, हाँ, और फेसबुक पे हमारा पूरा आप डिटेल मिलेगी आपको, सेव काउज लाइफ वृंदावन के नाम से प्रोजेक्ट है हमारा, और फेसबुक पे मैं खुद हूँ, तो कमल नारायण दास के नाम से।
देखिए कल हमने जो गायों को मरते हुए देखा, मरी हुई गायों को देखा, देख करके 8-10 दिन से तड़प हुआ था मैं गायों में। कई मित्र उसका स्थान भी जानना चाहते हैं जो सीधे सीधे वहां पहुंचा जा सके, तो अप्लेस बता दें, कुछ लोगों ने पूछा है, तो वह कौन सा स्थान है जहां और किस तरफ से जाया जा सकता है, जैसे वृंदावन से नजदीक है, भरतपुर से नजदीक है, कृपया आप बताएं उस स्थान। वो स्थान है माढ़ेरा रून, राजस्थान का पार्ट है, वो ब्रज में पड़ता है। गोवर्धन से आप आएंगे, गोवर्धन से डीग आइए, डीग भरतपुर रोड पे बहुत बड़ा जंगल है, उसमें 4-5 हजार गाय जो डेली 8-10 गाय उसमें मर रही है। सर ने देखा भी है कल पूरा लाइव टेलीकास्ट वहाँ पे किया था, आपने वीडियो भी बनाया था, बहुत गाय मर रही है। मेरे से जितना हो रहा है मैं वहाँ कोशिश कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, मेरी जितनी सैलरी आती है जो भी है। तो अगर किसी को, अगर किसी को वहाँ पहुँचना हो तो फिर किस रास्ते से पहुँचेंगे? अगर आप जयपुर से आ रहे हो तो भरतपुर होके आए, अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो, अगर दिल्ली से कोसी कामा डीग यहाँ होके आ सकते हैं, डीग से माढ़ेरा, हर कोई बता देगा आपको माढ़ेरा रून के नाम से फेमस, माढ़ेरा रून। हाँ, ये राजा महाराजाओं का जंगल हुआ करता था पहले, पहले घास थी इसमें बहुत, अब सूखा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बारिश के मौसम में घास थी, अब इस समय कुछ नहीं गाय तरह। देखिए कमल जी की सीमाएं हैं, शासन सत्ता पर कुछ नहीं कर सकते, जितना बन पड़ा है वहाँ भूसा पहुँचाने से लेकर के चारा पहुँचाने और जितना बन पड़ता है करते हैं, लेकिन सभी की सीमाएं, मुझसे भी तमाम लोग कहते हैं ना कि आप क्यों नहीं कर देते, भाई देखिए हमारी सीमाएं हैं, हम जितनी सीमा है उतना हम करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, उससे अधिक हम जागरूकता फैला रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। हम तो जैसे नहीं दिखाते तो हमारे लाखों मित्र नहीं जान पाते कि राजस्थान में भरतपुर में माढ़ेरा रून के जंगल में इस तरह से गायें तड़प तड़प करके मर रही हैं, मरी हुई हैं। तो आगे आप इनको बचाने के लिए और भी क्या कर रहे हैं? मेरा तो जीवन ही इनके लिए समर्पित है, जीवन ही इनके लिए समर्पित है, अपने लिए तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ इनके लिए करता हूँ। देखिए बड़ी बात है, मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ न कुछ करना है, और ऐसी जगह गायें मरी हुई मिली हैं जो खड़े नहीं हो सकते, वहाँ खड़े नहीं हो सकते, सड़ रही, कुत्ते खा रहे हैं, आंख निकाल ले गए कौवे, बदबू आ रही भयंकर, कान काट करके ले गए गीदड़, आंखें निकाल ली गई हैं, और पीछे का जो भाग है थन है उसको काट ले गए हैं सब, और मतलब जैसे बीभत्स है, उसको देख भी नहीं सकता आम आदमी, देख भी नहीं सकता किस तरह से वहाँ अब तक जीव भिन्न आ गया है। लेकिन अफसोस कि यहाँ वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट में भी उसी तरह से गायें तड़प तड़प करके मरती रही, और अशोक गहलोत के समय में भी वैसे ही मर रही हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री जी और यह सब लोग गाय 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 गाय, चलिए मैं भी तो दिखा रहा हूँ, माना कि हमारा छोटा सा चैनल है, बहुत बड़ा इसका स्वरूप नहीं है, फिर भी लाखों लोग देखते हैं, वीडियो वायरल भी होते हैं, उसके बाद भी संज्ञा शून्य है। मैं आज इनको पोर्टल पर लिखूंगा, अभी कल लिख रहा था लेकिन नेट सही न होने के कारण नहीं जा पाया, तो मैं आज उसको लिख भी रहा हूँ, और जिन लोगों ने यह पता जानना चाहा है उनको भी दे रहा हूँ, जो वीडियो मैंने पूर्व का डाला है मरती हुई गाय, और वह उस परिक्रमा क्षेत्र में आता है, ब्रज 84 कोस में आता है, 84 कोस की परिक्रमा लगती है, ब्रज का जो क्षेत्र है जहाँ कृष्ण भगवान ने लीलाएं की वो 84 कोस का है, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग 250 से ज़्यादा का है, तो आधा इसमें कुछ हरियाणा का पार्ट आता है कोटवन, और कुछ राजस्थान का पार्ट, बाकी यूपी का मथुरा गोकुल मावन वृंदावन नंदगांव बरसाना पूरा ये इधर कोटवन कामा डीग ये ब्रज क्षेत्र का पार्ट है, तो ये डीग में आता है। चलिए हमने आज इस विषय पर वार्ता किया है और बड़ा आनंद आया, इनके घर आया हूँ इस समय, यह घर पर हम लोग बैठे हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब 2 रात हमने यहाँ गुजारा है, 1 रात हमने वृंदावन इन्हीं के आश्रम में वहाँ रुकना हुआ था, बहुत अच्छा लगा था, और आज पुनः मथुरा वृंदावन के कुछ स्थानों पर जाऊँगा और आप सभी को दिखाऊँगा, जो भी आप और भी देखना चाहते हो। देखिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है हमारे ही नाम से है, ब्रजभूषण दुबे के नाम से, बहुआयामी बनाने का प्रयास किया है, या नहीं कि एक ही क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों को कवर, सच्चाई दिखाना चाहते हैं सर, आप सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और थोड़ा हम पे भी मेहरबानी करें, प्योर वृंदावन को भी सब्सक्राइब करें, आपको नई अपडेट ब्रज की मिलती रहेगी, प्योर वृंदावन जो चैनल है यूट्यूब चैनल, लिंक डाल देंगे सर, उसे सब्सक्राइब करेंगे, मैं उसको कम्युनिटी टैग में डालूंगा, भी आप जाके गौ सेवा का देखें, थोड़ा कुछ दिन से पोस्ट नहीं डाली, सेव काउज लाइफ लिखें, उसके बाद डैश वृंदावन आपको अपने आप दिख जाएगा वहाँ। देखिए एक तो वृंदावन से लगातार आप जुड़ना
चाहते हैं यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, यहाँ के जो धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, जो इस तरह की दुकानें हैं और अच्छे जो इस तरह के संस्कारित संस्कारों से पोषित यहाँ के महामंडलेश्वर और बाबा लोग हैं, सभी कुछ कमल नारायण जी दिखाएंगे। हाँ, कभी भी आप आए मुझसे कांटेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर है 8875535993, व्हाट्सएप पे भी है, आप कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है यार, रुकिए। यही नंबर व्हाट्सएप भी है। हाँ, यही नंबर। देखिए, मैं तो परिचित नहीं था, मैं आया, इतना स्नेह और प्रेम मिला। एक चीज का ध्यान जरूर रखें, यहाँ सर का चश्मा ले गए थे यहाँ। अगर आप वैसे भी आते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, चश्मा और सामान का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बंदर आपको सच्ची आंखों से ठाकुर जी को दिखाना चाहते हैं, चश्मे से नहीं। चश्मा ले गए थे सर का। देखिए, मैं चश्मा लगा करके और चश्मा लगाया था और मोबाइल चला रहा था। कमल जी ने हमको हिदायत दिया था कि सावधान, बंदरों से सावधान, जब कतरे बाद में कुछ करेंगे, पहले हाँ। तो बंदरों से। तो बंदर आया और पीछे से ऐसे चश्मा ऐसे लेकर के और चला गया। अब चश्मा मिलेगा कैसे? चश्मा तो बहुत संवेदनशील है, टूट सकता है, कांच लगा हुआ है। तो बिस्किट दिया गया, नहीं लिया। बिस्किट नहीं लिया, लिया लेकिन चश्मा नहीं दिया। हाँ, बिस्किट पे उसने मुंह नहीं दिया, उसको फ्रूटी चाहिए थी, वो फ्रूटी उसे, 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 फ्रूटी का टेस्ट लग गया है। तो जब फ्रूटी दिया गया, एक हाथ से फ्रूटी दिया जा रहा है और दूसरे हाथ से वह चश्मा दे रहा है, मतलब ऐसे दो फिर लो लो, बेईमानी का काम ही नहीं है, साथ से लो, साथ से दो। लेकिन लेकिन बड़ा बड़ा या तो आतंकी है या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है पूरा वृंदावन में। लग रहा है कि सेवा बंदरों को भारतीय सेना में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, पहले जैसे घोड़े रहते थे, कुत्ते रहते थे, अभी भी रहते हैं भारतीय सेनाओं में, बाज भी रहते थे, अब पता नहीं, मैं नहीं जानता क्या है। लेकिन रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्रालय से मैं अपेक्षा करूंगा कि राम की सेना राम को पार लगा दिया था इन लोगों ने, आसुरी शक्ति पर प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति पर विजय पाया था, और जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। हनुमान जी ने कहा कि मैंने किसी ऐसे निरपराध को नहीं मारा है, रावण से कहा, जिन मोहि मारा तिन मैं मारा, तापर बांधे तने तुम्हारा, उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांधा है। तो क्या कहना है आपको इसके बारे में? ये तो शुरू से ही वृंदावन में पूरा इनका ही कब्जा है, और राम जी के समय में भी तो राम जी को ही पार लगाया था, अब कृष्ण जी के इसमें कब्जा किया हुआ है वृंदावन में। चलिए मोदी जी, आपको अगर इस भवसागर से पार लगना है, चुनावी तो बैतरणी पता नहीं पार होगी नहीं होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन भवसागर से पार होना है तो फिर बंदरों से दोस्ती करनी पड़ेगी। धन्यवाद। आज हम हैं 16 मार्च 2019 को सितारा गांव में, भरतपुर, राजस्थान में। ये डी कुमेर तहसील पड़ती है। अच्छा, कुमेर डी पास में, मतलब ब्रज का एरिया, ये पूरा बॉर्डर एरिया है मथुरा, ये एक ही है, मतलब 40 किलोमीटर है यहाँ से। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, जो जो भी देश विदेश से हमारे मित्र हैं, हमें देख रहे हैं, हमें पसंद करते हैं, उनका प्यार सतत हमें मिलता रहता है, सबके प्रति मैं साधुवाद अर्पित करता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए, लोग कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं बोलते हैं, बाद में बोलते हैं, बाद में तो लोग वीडियो देखते ही नहीं। देखने कोई बात नहीं यार, जो ही जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा बलपूर्वक तो नहीं कराया जा सकता। चलिए, हम दोनों का सादर नमस्कार आपको।